बनकर तुम्हारे साथ साथ मानवता की भी सेवा चाहती हूँ, तुम इसे स्वीकार करो। मेरी इस सेवा भावना यह है कि मेरी यह सेवा भावना जल मग्न संस्कार के लिए पतवार का कार्य करेगी। क्या नाम हुआ आपका? तेजस्वी त्यागी। तेजस्वी, हमने सुना है कि आप दो भाषाओं में उल्टा लिख लेती हैं, जो कि अगर हम मिरर शीशे में पढ़े तो वो सीधा लगता है। कहाँ से आपने ये सीखा? जब मैं 4 साल की थी तब मैं पहले उल्टे हाथ से उल्टा लिखती थी, फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग में जब पापा को पता चला तो उनको कुछ खास नहीं लगा, तो उन्होंने बोला कि सीधे हाथ से लिखा करो, तो फिर मैं सीधे हाथ से भी लिखना स्टार्ट कर दिया था मैंने। और फिर धीरे धीरे मेरे दोनों ही हाथ उठने लगे थे, दोनों ही हाथों से मैं अलग अलग भाषाएँ सेम टाइम पर लिखती थी। मतलब कौन कौन सी भाषाओं में आप लिख रहे थे? मैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो संस्कृत भी आप उल्टे लिख लेती हैं जी। कि क्या कभी शुरू में आपने कहीं से देखा, किस तरीके से आपको ये प्रेरणा मिली कि उल्टा? क्योंकि आज के दौर की हम बात करें तो जब आप बता रहे हैं 4 साल की उम्र में छोटा बच्चा लिखना भी नहीं जानता सही से, आपने उल्टा लिखना शुरू किया, कहाँ कोई ऐसा प्रेरणा, मतलब कहाँ से ये आपको आया कि आप इस तरीके से लिखें? मैंने पता नहीं, जब मैं छोटी सी थी तब मैं टीचर खेलती थी, तो मेरा लेफ्ट हैंड ज़्यादा उठता था, तो तभी से मतलब मैंने खुद से ही लिखना स्टार्ट कर दिया था, मैंने किसी से सीखा नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी मैंने। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने अभी तक आपने कितने ऐसे चैप्टर में लिखा है? क्या कोई ऐसा चैप्टर है जो कि आपके पहले से आप जानती हो, या कोई भी आपको चैप्टर दिया जाए आप उसे लिख सकते हैं? हाँ जी, मुझे अगर कोई भी हिंदी एक साइड रख दो आप और इंग्लिश की कोई बुक एक साइड रख दो तो मैं आराम से लिख लेती हूँ। और जब मेरा स्कूल था तब मैं जैसे एग्ज़ाम हुआ करते थे तो लिखती थी। अच्छा, तो ये कि इस खास प्रतिभा के लिए कभी आपको किसी तरह का सम्मान कोई मिला हो? हाँ जी, मुझे ऐसे कई रिस्पेक्टेड टीचर मतलब उन्होंने करा है सम्मानित। हमारे मेरठ के पूर्व DM जी ने मुझे सम्मानित करा था और ऐसे कई लोगों ने मुझे सम्मानित करा है। क्या ड्रीम है आपका, क्या बनना चाहिए? अभी तो मैंने 12th पास करी है, PCB स्ट्रीम थी, तो आगे डॉक्टर बनने की सोचूंगी। ओके, तो आप बताना चाह रही हैं कि आप संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश में उल्टा लिखना जानती हैं, तो क्या अगर जैसे कि अभी आपके बारे में बताया था कि अगर हम शीशे में उस चीज़ को देखें तो वो हमें सीधा नजर आता है, क्या इस तरीके से सच्चाई है? हाँ जी, मैं मिरर इमेज लिखती हूँ, तो वो मिरर इमेज अगर नॉर्मल व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको मिरर की हेल्प से मतलब वो पढ़ेगा आसानी से, बट मैं उसको उल्टा जैसे मैंने लिखा है तो मैं उसको सीधा पढ़ लेती हूँ बिना किसी मिरर के। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि जो आप उल्टा लिखती हैं आप उसे सीधा पढ़ भी सकती हैं? हाँ जी।